रात को 9:30 बजे भाई यहाँ पे पुलिस आ जाएगी। अरे अरे बह गया भाई, देखो वहाँ पे ना जहाज खड़ा हुआ है बिल्कुल भाई, बहुत ज़्यादा तेज हो गई लहर, मतलब एक्सपीरियंस इतना बढ़िया जा रहा था ना भाई, बट लास्ट तक आते आते भाई हमारे साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया जिसके बारे में मैं आप लोगों को होटल पे बताऊंगा। बड़ी तेज चलता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, और हम लोग जा रहे हैं चेन्नई बैंगलोर से, और ये हम लोगों का भाई पहला ट्रिप है, इस मतलब ट्रिप तो क्या शॉर्ट ट्रिप है, कुछ काम है वहाँ पे तो इसलिए हम लोग सुबह जा रहे हैं, बाकी एक दिन के अंदर ही वापस आ जाएंगे। चावल वगैरह अभी जस्ट पैक कर दिए हैं, तो एक बैग तो नीचे चला गया, बाकी अब बस हम लोग भी अपनी पैकिंग वैकिंग ख़त्म कर रहे हैं। एक मैंने ये वाला बैग अपना रेडी कर लिया है। प्यार दे रहा चेन्नई। सो गाइस फाइनली भाई 6 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं चेन्नई, और जस्ट यार अभी हम लोगों ने मेरीन ड्राइव के पास, मतलब यहाँ पे मेरीन बीच है उसके पास हम लोगों ने भाई लिया है अपना होटल, तो अभी मैं आप लोगों को भाई फटाफट होटल का टूर कराता हूँ, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, रूम बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो ये अपना भाई शुरुआत हो जाती है, यहाँ से अपनी है एंट्री, और यहाँ पर अपन को कैटल मिल जाती है, साथ में अपनी वाटर बॉटल्स हैं, और भाई किसी को ज़रूरत पड़े तो ये भी है, ठीक है। तो ये अपनी पूरी पूरा ड्रेसिंग एरिया टाइप हो गया है, बाकी ये है इसका वॉशरूम, तो किसी भी होटल के अंदर मेन चीज़ होती है इसका वॉशरूम, वॉशरूम अच्छा होना चाहिए, तो इसका वॉशरूम काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, यहाँ पे देखो पूरा ड्रायर वगैरह भी दे रखा है, ये इसका वॉशरूम है पूरा का पूरा, और इसकी लोकेशन में की लोकेशन भाई मैं डाल दूंगा कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। बाकी कुछ इस तरीके से भाई इसका पूरा का पूरा बाथरूम है, बिल्कुल क्लीन है एकदम साफ़ सुथरा। बाकी ये है भाई इसका रूम, तो यहाँ पे बेसिकली क्या था ना, हम लोग 3 जने हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे बड़ा वाला एक बेड तो पहले से था, बाकी एक छोटा बेड हम लोगों ने यहाँ पे लगवा दिया, ठीक है। और जब ये बेड नहीं था ना, तो ये सोफ़ा जो था ये यहाँ पे लगा हुआ था, तो इस तरीके से सोफ़ा भी मिल जाता है, साथ में टेबल जो थी वो एक टेबल वहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर स्टूल मिल जाता है, डस्टबिन भी है यहाँ पर, बाकी यहाँ पर दे रखे हैं यार इन लोगों ने अपने टॉवल्स दे रखे हैं, बाकी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है यार एक फ़ोन जो डायरेक्टली आप यहाँ पे 24/7 सर्विस है, कॉल करके सारी चीज़ें मार सकते हो, ये तो कॉमन था। बाकी यहाँ पे अपनी की लग जाती है, ये है यार होटल शेरेटन ग्रैंड, तो ये होटल का नाम है, बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका लोकेशन मिल जाएगा। टीवी यहाँ पे मिल जाती है, एक है यहाँ पे एसी, तो अगर यार चेन्नई के अंदर आ रहे हो ना तो भाई एसी वाला रूम ही आप लोग देखना, क्योंकि यहाँ पे यार सही में बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब बाहर ना इस टाइम पे पूरी की पूरी भाई धूप निकली हुई है। बाकी व्यू यहाँ से इतना कुछ खास नहीं है, बट हमारे को तो जस्ट रात रात के लिए ही रुकना है, तो हम लोगों ने ले लिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए थे यार, और मतलब इतना लंबा ड्राइव हो गया था ना, तो बस हम लोगों ने फिर ले ही लिया ये रूम। बाकी गद्दे वगैरह पूरे भाई प्रॉपर लगे हुए हैं, और एक वहाँ पे भी आप लोगों को छोटी सी टेबल मिल जाएगी, तो इस तरीके से पूरा का पूरा रूम है यहाँ पे। बाकी हम लोग शाम को जाने वाले हैं मरीन बीच, तो वो आप लोगों को दिखाऊंगा यार यहाँ पे, मतलब मेरा तो पहला एक्सपीरियंस होगा, बीच मैंने आज तक ज़िंदगी में देखा नहीं। तो गाइस हम लोगों की डिलीशियस चाय आ रही है, चाय गाइस, चाय बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी चाय है भाई साहब, वो तो पी के पता चलेगा, भाई डार्क है बट हाँ दूध है इसमें। भाई एहसान फरामोशी दोस्तों, एहसान फरामोशी, अगर किसी से चाहिए तुम्हें मतलब मिले तो वो होता है पति, ऐसे पति हो तो एहसान फरामोशी भर भर के मिलेगी आपको। भाई ये होटल मैंने चूज किया था, ठीक है, झूठ, ये होटल मैंने चूज किया था दोस्तों, और जो जो चीज मैंने, अरे आपने सॉस तो भेजी ही नहीं, सॉस नहीं देते हम लोग, अपने भी केचप नहीं लाए, शिट चेक करके भेजेंगे उसने ऊपर, क्या बना दिया रगड़ा पैटी इसने, ओ भाई यार ये तो कंप्लेंट करनी पड़ेगी, क्या मजाक दे दिया है, और ये देख भाई ये विदेशी तो दे दिया, और ये तो विदेशी सॉस दे दी, अरे रेड पेपरिका है, नहीं तो इसमें विदेशी सॉस है, ये पीछे जो लगी हुई है,
इनकी सर्विस दोस्तों इतनी बढ़िया है, ये देखो अगर डिलीवर भी करते हैं ना रूम तक तो फिर ये प्लेट्स वगैरह भी हमें प्रोवाइड कर देते हैं सो दैट हम इनकी क्विल्ट या चादर जो है वो गंदी ना करें। भाई रेलवे स्टेशन भी बिल्कुल एकदम ब्रिटिश टाइप का लग रहा है, क्या सही लग रहा है। अरे कितना दूर तक दिख रहा भाई, मस्त लग रहा है एकदम। सो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं पार्किंग के लिए और देखो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ लगी है, वो सामने है भाई सी। तो भाई देखो ये आ गई पार्किंग पूरी जबरदस्त। तो भाई अभी देखते हैं यहाँ पे पार्किंग के क्या चार्जेस वगैरह है, लेकिन जाने का बाकी गाड़ियाँ तो भाई बहुत सारी खड़ी हुई है। अंकल जी आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, आ रहे हैं। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं आज कोई सैटरडे या संडे नहीं है, आज है वेडनेसडे। वेडनेसडे आज, और वेडनेसडे वाले दिन भी भाई इतनी ज़्यादा भीड़ हुई है। तो भाई हम लोगों ने पार्किंग में लगा दी गाड़ी और यहाँ पे जो चार्ज है वो है 60 रुपये फॉर 3 आवर्स, 20 रुपये पर घंटे के हिसाब से भाई पार्किंग है यहाँ पे। तो ये पूरी की पूरी पार्किंग है इनकी। तो बादल कितने नीचे लग रहे हैं भाई, ये देखो भाई घोड़े की सवारी हो रही है यहाँ पे, वो घोड़े वाले भी आ रहे हैं। तो भाई दूर तक देखो यहाँ पे भाई काफ़ी सारी शॉप्स हैं मेरे पीछे। तो भाई पीछे पूरा का पूरा भाई खाने पीने का जुगाड़ है और यहाँ पे बच्चों के खेलने का भी है बट अभी के लिए बंद है। कुछ कुछ झूले चालू हैं, जैसे देखो वाला झूला चालू है। बाकी भाई पूरी रेत में ना ऐसे पैर बिल्कुल नीचे नीचे जा रहे हैं। बाकी पीछे यार हम लोगों ने लगाई थी वहाँ पे आपकी पार्किंग, तो कार पार्किंग का यहाँ पे बिल्कुल भी इशू नहीं है। बाकी यहाँ पे देखो एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह भी हैं भाई अलग अलग। तो भाई हम चलते चलते देखो इतना ज़्यादा आगे आ चुके हैं, वहाँ से बहुत पीछे है और अभी भी काफ़ी ज़्यादा आगे जाना है। तो वहाँ सामने है भाई पूरा का पूरा सी दिख रहा है और इसकी कोस्टल लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है। तो इंडिया के अंदर भाई सबसे बड़ा जो बीच है ना वो मरीना बीच है चेन्नई के अंदर। और दोपहर के अंदर तो भाई बिल्कुल ज़्यादा धूप हो रही थी बट अभी तो ना बिल्कुल मौसम एकदम मस्त हो गया, बाकी सनसेट भी हो ही गया है और वहाँ पे भाई पूरी की पूरी हाई टाइड्स आ रही है। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है भाई, मैंने मतलब आज से पहले कभी समुद्र देखा नहीं। तो अभी देखते हैं आगे जाके कैसा रहता है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर आना ना तो आप लोगों को चेन्नई आना पड़ेगा और चेन्नई के जो आपका रेलवे स्टेशन है उसके पास ही है, यहाँ पर ना आपकी रैपिडो वगैरह। तो भाई देखो ये लगे हुए झूले बच्चों के खड़े हुए हैं उस साइड। गाइस कैसा लग रहा है, गाइस कैसा लग रहा है, यूं घूमो, अरे यूं घूमो ना पीछे। भाई बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आ रही है एकदम जबरदस्त। अब अच्छी हो रही है, कुत्ते भाई पूरी मौज ले रहा है। वो वाला पता है वो डर रहा है, इसे देखो वो वाला डर रहा है और ये वाला पूरा खेल रहा है पानी में। ये देख, ये देख अब कूदेगा देख। ओ भाई साहब, अरे अरे बह गया भाई। देखो वहाँ पे ना जहाज खड़ा हुआ है बिल्कुल नीले कलर का भाई, बहुत ज़्यादा तेज हुई लहर। तो गाइस हम लोग खा रहे हैं हमारे बर्गर किंग के फ्राइज, साथ में है बहुत सारे हमारे बर्गर और साथ में है ये बहुत बड़ा समुद्र। बनाओ भाई पैरी पैरी फ्राइज। गंदगी नहीं करनी भाई, स्वच्छ भारत अभियान, बिल्कुल गंदगी नहीं करनी, सारा कूड़ा हम भी वापस लेके जाएंगे अपना। दोपहर में बहुत, दोपहर में भाई बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इस टाइम तो बिल्कुल ठंडा हो गया एकदम मस्त, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गाइस पेरी पेरी फ्राइज ऐसे बनाते हैं। अरे नहीं इतनी नहीं गई भाई, जहाज ही जहाज दिख रहे हैं एक सामने, कितने सारे हैं। पोर्ट है ना उधर की साइड, हां अदानी पोर्ट। कम है मसाला, मसाला कम नहीं है, वो नीचे पड़ा हुआ होगा थोड़ा ढंग से वो नहीं करा हुआ। इस टाइम तो कुछ भी नहीं दिख रहा सिर्फ लाइटों के अलावा। और यहाँ पे भाई ऐसी काफ़ी सारी स्टॉल दिख जाएगी, यहाँ पे भुट्टा मिलेगा भाई आपको, आइसक्रीम भी मिल जाएगी क्वालिटी वॉल्स की भाई यहाँ पे। तो भाई यहाँ देख क्या सही आ रही रहो, यहीं आ जाओ ऊपर खा लो। तो
गाइस हम लोग ना अपने पैक करा के लाए थे बर्गर वगैरह बर्गर किंग से, तो अभी हम वो खा रहे हैं। और हमारे सामने ना उस साइड पूरा का पूरा भाई वो है सी है, बट अभी दिखेगा नहीं क्योंकि रात हो गई है। हम लोग सुबह दोबारा आएंगे और सुबह का व्यू भी यहाँ से लेंगे। ये अपना बर्गर, अमीरों वाला बर्गर, अभी गरीब वाले बर्गर भी दिखेंगे। बेटा रुक जा, तेरे को इतनी बार दिया नीचे। ये भुट्टा कहाँ से आता है अंकल? ये नामक्कल में आएगा, आंध्र से आएगा। अच्छा, यहाँ पे आप लगवा रहे हैं भुट्टा अंकल से, और अंकल जी हमें खिलाएंगे भुट्टा बढ़िया वाला। इसमें कोयला डाल रखा है और यहाँ से ये हवा देना है ऑटोमेटिक। ये बन गया भुट्टा, जैसे हवा जा रही है इसमें, और ये सिकर है अपना भुट्टा भाई। बड़ी तेज चलता है ये भुट्टा भाई। यहाँ पे अपन को मिलेगा 50 रुपये का, और अगर आप लोगों को भाई उबला हुआ वाला खाना है ना तो वो मिलेगा 40 रुपये का। और यहाँ पे कुछ इस तरीके के देखो आम भी है, इतने मोटे मोटे आम, आम ही लग रहा शायद। अंकल ये आम है क्या? कहाँ का? अच्छा, तो भाई ये लोकल आम है यहाँ के। कितने का है अंकल ये? 30 रुपये। अच्छा, ये 30 रुपये। तो भाई देखो ये कट के ऐसे रख देते हैं, और ये 30 रुपये का है। तो ये हो गया भाई रेडी अपना भुट्टा, स्पेशल भुट्टा बीच वाला। भाई पूरा मीठा है। अच्छा, ज़बरदस्त मीठा है, खा के देख। पका है अंदर से अच्छे से? हाँ। आई लव प्रिया। और अभी हम लोगों के साथ भाई एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना टाइप हो गई, मतलब एक्सपीरियंस इतना बढ़िया जा रहा था ना भाई, बट लास्ट तक आते आते भाई हमारे साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हो गया जिसके बारे में मैं आप लोगों को होटल पे बताऊंगा। अभी तो हम लोग भी बस यहाँ से ये खा पी के भाई निकल रहे हैं, क्योंकि हमारे को यहाँ से जल्दी निकलना है, क्योंकि भाई हमें नहीं पता आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, तो हमें निकलना पड़ेगा। तो भाई जब अंकल से हमारी बात उठी तो मैंने अंकल से पूछा यहाँ पर टाइमिंग वगैरह क्या है, तो रात को 9:30 बजे भाई यहाँ पर पुलिस आ जाएगी पूरे बीच पर, पूरे बीच को भाई खाली करा लिया जाएगा 10 बजे तक। ये पूरा का पूरा उठ जाएगा, जितनी दुकानें हैं जितने लोग हैं कोई भी अलाउड नहीं है 10 बजे के बाद। और अगर आप लोग सुबह आना चाहते हैं तो सुबह 4:30 बजे बीच जो है ओपन हो जाता है, 4:30 बजे के बाद आप लोग आ सकते हैं। भाई नेटवर्क देखते हैं, नेटवर्क आ रहे हैं, नेटवर्क आ रहे हैं। अंकल जी बहुत बढ़िया था, धन्यवाद। गाइस फाइनली हम लोग ये रेतीला मैदान पार करके जिंदा बाहर आ चुके हैं। बहुत टफ था गाइस, भाई पूरी की पूरी सारी की सारी दुकानें हैं, और इन दुकानों को क्रॉस करके भाई पीछे जाएंगे ना तो वहाँ पे अपना वो जो लाइट है आप लोगों को दिख रही है पीछे, वो है भाई बीच। फाइनली आफ्टर बार्गेनिंग फाइनली शी बॉट इट। गाइस यहाँ पे बॉम्बे भेलपूड़ी भी मिल रही है, ये है बनाना चिप्स, यहाँ पे भाई डोसा इडली सांभर वगैरह सब मिल रहा है, और बहुत भीड़ है। यहाँ मिल रहे हैं भाई पापड़, आलू वाले पापड़, पोटैटो चिप्स, स्पाइरल वाले भी। भैया स्पाइरल वाला कितने का? 50 का। और ये क्या है? आलू चिप्स। सब हारे हार थक गए हैं भाई, ऐसा हो रहा बस घर जाके, घर क्या होटल जाके बस सो जाए अब हालत हो गई टाइट। और ये देखो गद्दे वद्दे भाई पूरा हम लोगों ने पूरा सिस्टम बैठा रखा गाड़ी के अंदर, ये देखो। तो चलो अब चलते हैं भाई होटल अपने, और कैसा लगा भाई आप लोगों को ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। फाइनली गाइज वी आर ईटिंग दिल्ली चाप। भाई जहाँ होती है चाह वहाँ होती है राह, तो हमारी चाह थी चाप खाने की, राह हमारे को ऑटोमेटिकली मिल गई। अब देखते हैं राह कितनी सक्सेसफुल रही। क्या है हमारी पनीर बटर मसाला? लेट मी टेल यू हाउ इट इज़, सो ये बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी है पनीर, इसमें है तो सही छोटे छोटे टुकड़े, बाकी टेस्ट करके पता लगेगा। ये वालों का दिल एकदम खोल के देते हैं वो। ये कोई एक चाप है, ये सारी की सारी हाफ क्वांटिटी है, ये मेरे हिसाब से मसाला है, एक मसाला है इसमें से, एक है मलाई, ये है स्टफ्ड, और ये होगी मलाई।
नहीं ये मसाला है, फिर ये मसाला, ये मलाई और ये स्टफ्ड, एंड दीस आर आवर, और ये हमारी तंदूरी रोटी, और ये है भाई जहर कहर, सब कुछ सेटल डाउन करने। तो मैं आपको चक्के बताती हूँ कि सबसे पहले ये कैसी है। सही, यहाँ पर दिल्ली वाली बात नहीं, सही लग रही है, क्रिस्पी भी है। मैं मसाला चक्के बताती हूँ, सही है, मसाला चक्के बताती हूँ। सारा खा गई है चखने के नाम पे। ये बटर रोटी गाइस बहुत तीखी है भैया, आ गया प्लेट लेने। क्वालिटी इसलिए है, लेकिन इसका टेस्ट इतना अजीब है ना, बकवास सा ऐसा लगा, थोड़ा खट्टा, मतलब खट्टा तो नहीं कह सकता, अजीब सा ही कुछ टेस्ट है। पनीर बटर मसाला तो लग ही नहीं रहा था ना, दोबारा ये अच्छी नहीं है, कैसी लगी है ना, दिक्कत है ना कुछ, बिल्कुल घटिया। और ये हम फुल लेने वाले थे, अच्छा नहीं ली, मैं तो बोलती, और वो अपन को कह रहा था है ना कि फुल ले लो कम पड़ेगी, मैंने कहा भाई तीन लोगों में चार चीजें कम कैसे पड़ेगी, पागल बना रहा, निकल नहीं रहा होगा सामान।